हेलो जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का डुल फैमिली ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। हम सब ठीक हैं, आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान इसी तरह से रखे सबको। यही प्रार्थना है भगवान से मेरी। और तो देखिए, मैं कंबल में कवर पा रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ। और इनमें बहुत ही मुश्किल होता है भाई कवर पाना। एक मैं पा दिया था मैंने कवर कई दिन पहले, और एक ये कंबल है और एक और रह रहा है उसमें भी पाना है, क्योंकि तीन कंबल हैं डबल बेड के जो हैं, और तीनों में कवर डाल देती हूँ मैं हर सर्दी मतलब आए साल। लेकिन अब की बार क्या है कि पहले ही डाल करके रख रही हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत होगी मतलब कि मोटे कंबल। फिलहाल तो हम सिंगल कंबल ही ले रखे हैं हम लोगों ने सारे। और ये मम्मी देखिए कुछ बता रही थी मुझको, और बहुत ही मुश्किल होता है। फिर बाद में मैंने ये कवर नहीं डाला, इसमें दूसरे वाला कवर डाला, क्योंकि ये इसमें फिट नहीं आया। ये बड़े कंबल का कवर था तो मैंने इसको पहले तो डाल करके पूरा अच्छी तरीके से मतलब कि अच्छी तरह देखा भी मतलब सही है कि नहीं है। तो जब ये मुझे लगा कि नहीं इसमें ये ठीक से सेट नहीं होगा, क्योंकि ये कवर बड़ा था और कंबल थोड़ा सा छोटा था इसका, तो इस करके तो देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होता है ये कंबल में कवर पाना। और डबल बेड की दो रजाई भी बरवा रखी है भाई, ज़्यादा सर्दियों है तो वह भी ओढ़ ले कर। तो फिलहाल तो कंबल में ही काम चल रहा है, क्योंकि फिलहाल ज़्यादा सर्दी नहीं है। अभी थोड़े दिनों में ही धुंध वगैरह पड़ने लग जाएगी, तो इस करके फिर हो जाएगी ज़्यादा सर्दी। जब धूप नहीं निकलेगी तो होएगी ज़्यादा सर्दी। तो देखिए दाल जो होती है वो ख़त्म हो चुकी थी घर पे, मुकरी थी, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था दोपहर में ही कि दालें नहीं रह रही हैं, और दाल ही बनाई थी शाम को, क्योंकि और फिर हम मिक्स करके बनाते हैं दाल को ऐसे अकेली कम ही बनाते हैं, या तो मूंग की बनाते हैं अकेली जो छिलके वाली होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी होती है दाल, बीमार वगैरह के लिए भी अच्छी रहती है। या फिर चने की बनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इस करके ये चने की दाल मैंने रख ली थी थोड़ी सी, आधा किलो ही मिलाई थी इसमें, और आधा किलो जो है मूंग की वो छिलके वाली इसमें से भी रख लूँगी। ये भी सारी नहीं मिलाऊँगी, ये भी आधे ही मिलाऊँगी। तो इस करके इन चारों दालों को मूंग मसरी और चने की, क्योंकि मूंग की दाल दो तरह की, एक छिलके वाली एक बिना छिलके वाली, तो इनको मिला करके डिब्बा भर के रख दूँगी। और जब बनानी होती है ना तो फिर मतलब कि बस कोली भरो और बना लो, ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता, फिर मिलान का झंझट ख़त्म हो जाए इस करके। तो अभी मैं इनको सब चीज़ों को मतलब सब दालों को मिला करके और डिब्बा भर के रख दूँगी। और इस तो देखिए ये क्लिप है रात के 8 बजे की, जब मैंने दूध वगैरह जमा रही थी मैं, तो ये दूध करते हैं हम पतीली में पीने का गर्म, तो थोड़ी सी जो इसके ऊपर की मलाई आ रही थी वह मलाई उतार करके मैंने बिलौनी में डाल दी थी, और अभी इसे ढक करके जमा दूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसको भी सर्दी लगती है भाई। और बाद में ये है कि दूध गर्म करूंगी, और बर्तन रह रहे थे मेरे तो बर्तन भी साफ़ करने थे मुझे अभी, तो मैंने कल तो सिंक में ही कर लिए थे बर्तन भी साफ़, नहीं तो गर्म पानी में करती हूँ मैं बर्तन साफ़, और अभी करूँगी मैं बर्तन साफ़ क्योंकि बर्तन रह रहे थे। और कल की क्लिप में मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई गया था विदेश, तो आज बता देती हूँ कि वो कौन से देश में गया है आप सभी को। तो देखिए पहले की जो 2-3 क्लिप थी वो थी कल की, और ये क्लिप है आज की, आज यानी के सोमवार की, और वो थी संडे की क्लिप। तो ये क्लिप है 11 बजे के करीब की, जिस टाइम मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे सारे, और ये लिए थे मम्मी ने आज ढक्कन, कप्पन बोलते हैं हम लोग इस इनको, तो मिट्टी के ये अच्छे रहते हैं मतलब कि इतने तत्ते भी नहीं होते हैं,
और ये देखो इनका कलर कैसे छूट रहा था। और ये पैर दोना लिया था मम्मी ने, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये कप्पन लिए थे 20-20 रुपए के, 4 थे ये, तो 80 रुपए के ये लिए थे और 10 रुपए का ये पैर धोना। और इसको इनको मैं अभी साथ के साथ ही भिगो दूंगी, क्योंकि ये जो होते हैं सूखे होते हैं, तो अभी इनको भिगो दूंगी और बाद में सरसों का तेल रुई के फोए के साथ सरसों का तेल लगा दूंगी इनके ऊपर, जो कि है मतलब कि अच्छे हो जाएंगे, चिकने से चिकने चिकने से हो जाएंगे ये सारे के सारे। इनमें से सूं सूं की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि ये देखिए बुलबुले से उठ रहे हैं, तो ये पानी पीने लग रहे हैं क्योंकि सूखे थे, फिर ये थोड़ा पानी पी लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और बाकी की बताऊंगी मैं अगली वीडियो में।